हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की तरफ से 5 नए विज्ञापन वैकेंसी के जारी किए गए हैं। सैलरी की यदि हम बात करें, 35,000 से लेकर 75,000 तक सैलरी जो है अलग अलग पोस्ट की है। सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ आवेदन कर सकते हैं। कोई फीस नहीं देनी है, ना ही कोई परीक्षा होगी, केवल इंटरव्यू के बेस पर जो है सिलेक्शन रहेगा। पांचों जो है विज्ञापन इसी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम देखेंगे तो वैकेंसीज में प्रोजेक्ट स्टाफ के अंतर्गत कुछ वैकेंसी हैं और कुछ नॉन एकेडमिक के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, सबसे पहले जो है, जो कि 3 मई को जारी किया गया है नोटिफिकेशन, द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के लिए 28 मई 2024 को आपको जाना है दिए गए स्थान और समय पर। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। मास्टर डिग्री आपकी पॉलिटिकल साइंस में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो है उनको केवल 50% मार्क्स ही चाहिए मास्टर डिग्री में। बस यही क्वालिफिकेशन जो कि जरूरी है। जो कैंडिडेट जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, PhD है, तो 31,000 सैलरी रहेगी। और जिनके पास केवल मास्टर डिग्री है पॉलिटिकल साइंस में, तो उनकी यहाँ सैलरी 29,000 रहने वाली है। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए रूम नंबर 4, थर्ड फ्लोर, जानकी अमल ब्लॉक, NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 16। इस जगह पर आप लोगों को पहुंचना है 9 बजे से लेकर जो है स्टार्ट होगा इंटरव्यू। ठीक है, और डेट मैंने आपको बता दी, 28 मई 2024। अगला नोटिफिकेशन जो कि 9 मई 2024 डिवीजन ऑफ एजुकेशनल किट्स NCERT की तरफ से ही है ये वैकेंसी भी। पोस्ट का नाम है सीनियर रिसर्च एसोसिएट। इसमें जो है पोस्ट 3, वन फॉर फिजिक्स, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए और एक बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री आपकी फिजिक्स में 55% मार्क्स के साथ में, नेट क्वालिफाई आप होने चाहिए और 2 साल का रिसर्च में या फिर किसी भी टीचिंग फील्ड में अगर आपने काम किया है तो आप यहां पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं 27 मई 2024 को। केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में 55% मार्क्स के साथ में, नेट क्वालिफाई और 2 साल का रिसर्च के अंदर या फिर टीचिंग में या कंटेंट डेवलपमेंट में या और भी अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका एकेडमिक के अंदर, साइंस फील्ड के अंदर, तो आप इसमें इंटरव्यू के लिए चले जाएं। बायोलॉजी के लिए भी जो है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और एनी रिलेटेड डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स, साथ में जो है नेट क्वालिफाई आप होने चाहिए 2 साल के अनुभव के साथ में। एक पोस्ट, जैसे हमने तीन चार वैकेंसी हैं, चार सीनियर रिसर्च एसोसिएट की, जिसमें तीन तो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उसके बाद एक पोस्ट मैथमेटिक्स की है। इसका इंटरव्यू 24 मई 2024 को रहेगा और इसमें जो है मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए और जो है नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 2 साल का रिसर्च या टीचिंग या कंटेंट डेवलपमेंट में जो है अनुभव मांगा गया है। अब यहां पर जो है सैलरी जो है यहां पर 35,000 पर मंथ रहने वाली है। डेट एंड टाइम की अगर हम बात करें तो 24 मई 2024 को रहेगा मैथमेटिक्स का इंटरव्यू, मैंने आपको पहले बता दिया, और बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट हैं 27 मई 2024 को रहेगा। किस जगह पे रहेगा तो आप जगह जो है देख ले, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई फीस नहीं है। DAK NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 11016। ये जो टेनर है 31 मार्च 2025 के लिए रखा गया है। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक जो है आपकी जॉब रहने वाली है। इसके आगे जो है वो बढ़ाते हैं किस तरीके से, ये तो आपको वहां जाकर ही पता लगेगा। 45 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इसे आप डाउनलोड करके फिल करके अपने साथ लेके चले जाएं। चलिए तीसरा जो है नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, जो कि 9 मई का है ये, और कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट एंड एस्थेटिक्स।
इस वैकेंसी में भी जो है 31 मई 2024 11 बजे इंटरव्यू है। कला उत्सव प्रोजेक्ट का नाम है कला उत्सव 2024-25 और पोस्ट का नाम है सीनियर कंसल्टेंट। इसमें जो है 75,000 सैलरी रहेगी पर मंथ। इंटरव्यू की डेट आपको बता दी, किस जगह पे जाना है, रूम नंबर 201 सेकेंड फ्लोर जीबी पेंट ब्लॉक एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। तो दिल्ली की ही जो है ये वैकेंसी है। इसमें समय है 31 मार्च 2025। तो आप देखिए जो भी कैंडिडेट जिनको अर्जेंट ज़रूरत है और इतने समय के लिए आप जा सकते हैं 31 मार्च 2025 के लिए। 75,000 कम नहीं होती है सैलरी। 45 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी ह्यूमैनिटीज़ या फिर लैंग्वेज में, भाषा में, आर्ट्स में अगर है या फिर एजुकेशन में है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, बस इतना ही मांगा है। पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में, लैंग्वेज में, आर्ट्स में या एजुकेशन में। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनको केवल 50% मार्क्स इसमें चाहिए। अनुभव जो है वो 5 साल का आपका किसी भी प्रोजेक्ट में इस फील्ड में काम करने का रहा हो। इवन यहाँ पर जो है अगर टीचिंग लाइन में भी 5 साल का अनुभव आपके पास अगर रहता है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हर 3 महीने बाद जो है आपको यहाँ पर वैकेंसी दिखेगी, कुछ 1 साल के लिए, कुछ 2 साल के लिए, कुछ 6 महीने के लिए। तो अगर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें। इंटरव्यू के लिए ही जो है आप लोगों को यहाँ पर जाना होता है। ये फॉर्म है इसमें। फोर्थ जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन, एडसिल लिमिटेड, इसमें जो है ई विद्या प्रोजेक्ट के नाम से है ये एनसीईआरटी में। एकेडमिक कंसल्टेंट की 2 पोस्ट हैं, मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपकी 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। तो इसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स और 50% मार्क्स जो है एससी एसटी फिजिकल हैंडीकेप और वुमेन कैंडिडेट के लिए, ठीक है, मास्टर डिग्री में। साथ में जो है पीएचडी नेट स्लेट आपका क्वालिफाई जरूरी है। एज 45 ईयर है। पे स्केल जो है 70,000 पर मंथ रहेगा। बिजनेस कंसल्टेंट की 1 पोस्ट है जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हो 55% मार्क्स के साथ में। इसमें सैलरी 70,000 पर मंथ रहेगी। इसी में जो है पीआर कंसल्टेंट की जो 1 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन, इसमें अगर है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी है और साथ में आपके पास डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में या एडवर्टीजमेंट और इक्विवेलेंट किसी इसी एरिया के अंतर्गत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 70,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। 45 ईयर इसमें उम्र है। बाकी इसमें पीएचडी नेट स्लेट इसमें नहीं मांगा है, कंपलसरी नहीं है। इसमें भी नीचे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसमें 20 मई 2024 को लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की रहने वाली है। अब देख लेते हैं इस वीडियो में लास्ट जो नोटिफिकेशन है एनसीईआरटी की तरफ से, मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन। 25 अप्रैल को ये जारी हुआ था। इसमें जो सैलरी दी जाएगी डेली वेज, डेली आपका रहेगा 2500, 2500 रुपये पर डे, इसके अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। पोस्ट देख लें, प्रोडक्शन असिस्टेंट वीडियो, प्रोडक्शन असिस्टेंट ऑडियो और एंकर की है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ग्राफिक असिस्टेंट या आर्टिस्ट की है, वीडियो एडिटर की है और कैमरा पर्सन की है, ठीक है, ये है वैकेंसी। और इसमें जो है अगर किसी के पास ये क्वालिफिकेशन है तो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। बैचलर डिग्री मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में हो और बैचलर डिग्री अगर किसी भी सब्जेक्ट में है, डिप्लोमा अगर है इनमें, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के अनुभव के साथ में, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री है, स्नातक हैं और 2 साल का आपने जो है एंकरिंग किया हुआ है, एंकरिंग का जो अनुभव है आपके पास में किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में किसी भी चैनल पर, तो भी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा आपको आनी चाहिए।
तो ये पोस्ट जो है आप देख लें। बाकी और भी जो है वैकेंसी जैसे ही एनसीईआरटी की तरफ से जारी होती है, समय समय पर जारी होती ही रहती है, पहले भी बताया आप लोगों को, कुछ समय के लिए आप जो है अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी जो है इसमें दी जाती है। कभी ऐसा होता है कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और आप लोगों को वहीं पर पता लग जाता है कि ये वैकेंसी आ गई है, तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है इसमें रहने वाला है। जो भी अप्लाई करने के इच्छुक हैं, आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नॉन एकेडमिक में और प्रोजेक्ट स्टाफ में। इसमें जो है आप लोग अलग अलग वैकेंसी के नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो भी मैंने आप लोगों को अभी दिखाए हैं। ठीक है, केवल मास्टर डिग्री है तो जरूर अप्लाई करिएगा, द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में अगर मास्टर डिग्री है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वैकेंसी थी जिसमें केवल मास्टर डिग्री मांगा गया है, और ये थी वरिष्ठ सलाहकार की, सीनियर कंसल्टेंट की जो वैकेंसी थी। ठीक है, 75,000 इसमें सैलरी है पर मंथ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।